Hi all, good evening girls. Today we are going to have session on digital marketing. As you all know, digital marketing is a very good concept of learning and where we can do marketing online. So today we will be learning about what is SEO, then social media marketing, WhatsApp, Instagram, Facebook, how do we do marketing through all these platforms, then video marketing, content marketing. See, all these content comes under digital marketing. So we have a very renowned professor with us, Mr. Paresh Pandya sir. He's a corporate trainer and a well experienced. He's having a 15-year experience in this teaching field. So he'll be taking your session on digital marketing today. So here we have Paresh Pandya sir. Sir, I welcome you on behalf of CMD Samaila College to take session on digital marketing. Thank you, Preeti ma'am. So we'll start with the digital marketing, right? So I want your active participation. So basically, like we always did like that, okay, you have to either in your chat box, you have to write something if I'll ask you something, or maybe you can do YouTube live chat also. To start with, we'll start with one story. Okay. So, आपने एक देखा होगा, like एक young person होता है, graduate, जो finish करता है अपना graduation. And after graduation, सभी का एक aim होता है, मुझे अच्छा job मिले, right? So, after graduation, he is searching for job, and वो जाता है. रोज सुबह जाता है, सुबह से मेहनत करता है, एंड होता है, बाहर जाता है, evening तक आता है. बहुत थक जाता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलता है. दूसरे दिन सेम रूटीन जाता है, वो सेम एंथू होके बाहर निकलता है, वापस आता है, शाम को नर्वस होता है, अरे आज भी मुझे जॉब नहीं मिला. सो ऐसे ही वो कंटिन्यू 7-8 दिन से रेगुलर जाता है और रिटर्न आता है, उसको जॉब नहीं मिलता है. बट एक वाइज पर्सन, उसके एक नेबर होते हैं, उनको देखते रहते कि ये सुबह तो बहुत एंथू होता है, जाता है, लेकिन इवनिंग को आता है तो थोड़ा नर्वस होता है. सो वो ये 7-8 दिन के प्रोसीजर को देखते हैं एंड फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, आज मैं उनको पूछ ही लेता हूँ कि क्या हुआ, क्या आप इतने नर्वस क्यों हो, और सुबह तो आप एंथू होते हो और रिटर्न आने के वक्त बहुत नर्वस होते हो. तो बोलते हाँ सर, मैं 7-8 दिन से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत एंथू हूँ, लेकिन क्या करूँ, आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो मुझे जॉब नहीं मिल रहा है सर. तो बोलते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. तो बोलते हैं सर, मैं 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा है. तो बोले आपको जॉब चाहिए? तो बोले हाँ सर मुझे जॉब चाहिए. तो कुछ भी काम करोगे? बोले हाँ सर मैं कुछ भी काम करूंगा. बोले आप ग्रेजुएट हो, फिर भी मैं कोई भी एक छोटा मोटा काम लूंगा तो चलेगा? बोले हाँ सर चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं कर लूंगा. तो वो वाइज पर्सन बोलता है ये सामने मेरा फॉरेस्ट है, मेरा जंगल है, आपको क्या करना है, वहां पे जाके झाड़ काटना है, करोगे? बोलते हाँ सर क्यों नहीं, सर थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे जॉब दिया. एंड वो झाड़ काटने के लिए भी रेडी हो जाता है, राइट? वो बोलते हैं कभी से ज्वाइन कर रहे हो? बोले सर कल सुबह ही आ जाऊंगा. तो वो सुबह बहुत एंथू होके आता है और झाड़ काटने का स्टार्ट करता है. तो ऑन एन एवरेज लोगों का झाड़ काटने का रेशियो होता है 4 या 5. वो पहले ही दिन आके 20 झाड़ काट देते हैं. ओके, सो बॉस तो बहुत खुश हो जाता है, वेरी नाइस, बहुत एंथू है. दूसरे दिन आता है उतना ही एंथू होता है, लेकिन आज उसके 20 की जगह पे सिर्फ 15 ही कट रहे हैं. एंथू उतना ही है लेकिन थोड़ा कम हो गया. तीसरे दिन आता है, एंथू उतना ही है, उतना ही मेहनत करना चाहता है, लेकिन आज तो सिर्फ 10 झाड़ काट सक रहा है. ऐसे ऐसे करके एक दिन ऐसा आता है, एंथू बहुत है लेकिन झाड़ तो एक भी नहीं कट रहा है. तो वो सरप्राइज हो रहा है कि अरे मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, एंथू हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा, क्यों? सो गाइस, कैन यू गिव मी आंसर इन योर चैट बॉक्स? रिप्लाई करो क्यों, why so? इतना ही एंथू है, इतना ही काम करना चाहता है, बट एक भी ट्री कट नहीं हो रहा है. yes. The reason is, वो बॉस के पास जाता है, वो उसको बोलता है सर मैं एंथू तो इतना ही हूँ, काम करना भी चाहता हूँ, लेकिन आज एक झाड़ भी नहीं कट रहा है मुझसे. बोलते आपने इतने दिन में हैव यू शार्पन योर एक्स? तो वो सरप्राइज होता है, यानी आपने आपके खिलाड़ी को धार किया
इतने दिन से आ रहे हो, आप सिर्फ झाड़ काटने में फोकस कर रहे हो लेकिन कुल्हाड़ी को धार तो कर ही नहीं रहे। सो सेम वे विथ अस स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों को अपना एक्स हमेशा शार्प करना पड़ता है बाय द वे ऑफ गेनिंग द न्यू नॉलेज, राइट, एंड हम लोगों को ट्रेडिशनल वे से आगे जाना पड़ता है, राइट। सो दैट्स वेयर द डिजिटल मार्केटिंग इज कमिंग, राइट। सो जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, नाउ दे हैव टू गेट फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग, राइट, एंड शार्पन योर एक्स। तो हमारे में बताया जाता है कि कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है, राइट। सो कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। तो आज आपको समझ में आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मार्केटिंग, बट इट इज ऑन ई प्लेटफॉर्म और ऑन इंटरनेट और ऑन कॉम्प्यूटर, राइट, और ऑन योर मोबाइल। सो दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। सो एज पर ट्रेंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, राइट। सो हमको अपने को ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, राइट। सो द न्यू ट्रेंड इज डिजिटल मार्केटिंग। सो विल सी वॉट इज डिजिटल मार्केटिंग, ओके। सो आई शेयर माई स्क्रीन। प्रीति मैम, कैन यू गिव मी परमिशन टू शेयर द स्क्रीन प्लीज? या थैंक यू। ओके, नाउ बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग like due to revolution in internet, right? So आज हम लोग यहाँ पे बैठ के दुनिया के कोई भी कॉर्नर में जाके बात कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ से बैठ के कोई भी यूएस का आइटम या यूएस वाला इंडिया का कोई भी आइटम सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, राइट। सो देर आर मेनी थिंग वी कैन डू ऑनलाइन। सो विद द रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट हैज ओपन द गेटवे ऑफ ट्रेमेंडस डिजिटल मार्केटिंग opportunities for business and services also, right, like sales of goods and services to customer, right. So basically kya hua ke jaise pehle internet ka use wo log ne kiya tha military purpose ke liye ke unko information, lekin jab unhone dekha ke ye to platform kafi acha hai ke logo ko connect karne ke liye, so wo part ho gaya e-commerce. To aapne pehle beech mein bahut suna hoga web designing and e-commerce, that is electronic commerce. So same way wo expand hoke abhi like now people are talking about digital marketing, right? So because now abhi mera limit bahut badh gaya hai, right? I expand my limit any part of the world, so I can from like main abhi main kahan pe bhi baitha hu, lekin you know many people can listen me anywhere at the any corner of the world. So that is the power of internet, राइट। सो वही प्लेटफॉर्म को उन्होंने एनहांस करके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, सो दैट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बिजनेस वो लोग डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करने लगे एंड हम लोग अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, राइट, बिकॉज यू कैन सी नाउडेज पीपल आर यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सो मेनी थिंग, राइट, बट दैट इज ऑल्सो नोन एज वन पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज नॉट That is a one part of digital marketing. Actually, digital marketing is a bahut bada term hai, right? So this is only a part of digital marketing, right? Okay. So what is the advantages of digital marketing, right? So when you say, a digital marketing can be understood as a well-targeted, conversion-oriented, quantifiable, and interactive marketing of product and service. अभी इसमें दिया है well targeted, okay, conversion oriented, यानी उसका conversion rate ज़्यादा है, well targeted यानी targeted audience को, जैसे for example अभी जो हम लोग ये webinar कर रहे हैं वो specially किया है SNDT के लिए, right? So SNDT के बच्चों को ज़्यादा अच्छा knowledge, so that is well targeted. Conversion oriented, यानी आपको मैं easily समझा सकता हूं अपना, राइट। क्वांटिफायबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्वांटिफायबल यानी मैं जज कर सकता हूं कि मेरे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी अभी मैं यूट्यूब पे भी चेक कर सकता हूं कि मेरे कितने पार्टिसिपेंट हैं, या मैं
जूम मीटिंग पे भी समझ सकता हूँ कि मेरे कितने पार्टिसिपेंट्स है, राइट? एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इंटरेक्टिव यानी जैसे मैं अभी इन ड्यूरिंग लेक्चर्स आपको बोलता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज, सो यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, राइट? सो सेम वे अभी तो मैं सिर्फ वेबिनार ले रहा हूँ, लाइक यू कैन सेल योर प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑल्सो, सो आपसे बात कर सकते हैं. So that is interactive, right? Yeah. By utilizing a digital innovation to achieve the customer and transform them into client in a sustainable fashion, right? So basically, again depends. ये हम लोगों को उनको कैसे convert करना है, कौन से way, कौन से media से जाना है, so we can decide that. Okay. Now here it is result oriented, measurable. कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी आई नो कि मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा. सो आई नो कि मैं कैसे मार्केटिंग करूं, एंड मेजरेबल, राइट? सो आई कैन काउंट कि मैंने कितने लोगों को भेजा, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग टर्म कोई नया नहीं है, राइट? मार्केटिंग तो बहुत सालों से चल रहा है, राइट? हर चीज का मार्केटिंग तो अच्छे वे में होता ही है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. So always there is a comparison between traditional marketing and digital marketing also, right? So we'll see further क्या आगे कैसा है. So what is the traditional way? So that is a print media, जैसे आपका newspaper हो गया, magazines हो गया, radio हो गया, TV हो गया, that is all your boards हो गए, business cards हो गए, that is all traditional way of marketing. Now traditional promoting approaches has constrained client reachability and extend to driving clients purchasing content. यानी क्या होता है कि अगर आप जैसे आपने ऐड किया न्यूज़पेपर से या आपने टीवी से, तो लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे उसका कोई श्योरिटी नहीं, राइट? सो दैट इज नोन एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग, बट नाउ देयर इज अ डिजिटल मार्केटिंग. सो वी विल सी हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग. सो कम्युनिकेशन इज अनडायरेक्शनल, यानी मैंने टीवी पे डाला लेकिन कौन सी चैनल ज्यादा देखते हैं या देख रहे उन्होंने, तभी वो जब मैंने एडवर्टाइज किया तभी उनका टीवी चालू था या नहीं था, या मैंने जो न्यूज़पेपर में डाला तो मुझे वो टारगेट ऑडियंस मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो यू नेवर नो, बट वी हैव टू डू मार्केटिंग. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फोन कॉल्स हो गए, लोग फॉलोअप्स करते हैं, ईमेल हो गए, लेटर्स भेजते हैं. सो दैट इज ओल्ड वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग. मोर टाइम एज अ डिजाइनिंग, प्रिपेयरिंग, लॉन्चिंग, राइट? ज्यादा टाइम लगता है उसको डिजाइन करने में, लॉन्च करने में, बनाने में. बेस्ट फॉर रीचिंग लोकल ऑडियंसेस, यानी वो ज्यादा टारगेट ओरिएंट, जैसे मैंने एक बैनर बनाया तो जहां पे मैं बैनर लगाऊंगा उसके आजू बाजू वाले लोग देखेंगे, राइट? या फिर मैं फ्लायर्स दूंगा तो आजू बाजू वाले लोगों को मिलेगा, राइट? इम्पॉसिबल टू मेजर, राइट? The effectiveness, यानी मैंने भेजा पर जैसे मैंने फ्लायर भेजा न्यूज़पेपर में तो कितने लोगों ने देखा या नहीं भी देखा, सो आई डोंट नो, सो आई कैनॉट मेजर दैट. सो दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. सेम वे व्हाई नाउ पीपल वांट्स मोर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज राइट यहाँ पे कॉम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, राइट? सो वी कैन कॉम्युनिकेट विद ईच अदर. Medium of communication is more powerful. Social media, websites, chats, apps, and email. Right? So, जैसे वहाँ पे likes, dislikes, सबके options आते हैं. अगर मैं आपको कुछ products भेजूँगा, so you can thumb up, thumb down. यानी I can judge के लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. Comments लोग देते हैं. So that is more communication is available nowadays. Campaign can be developed by quite rapidly, यानी fast कर सकता हूँ, यानी मैं immediate कुछ भी बनाया और net पे डाल दिया तो मेरा campaign कभी successful भी हो जाता है. So it is very fast. Effective for reaching global audiences, यानी इसका reach जैसे मैंने बताया आप अभी SMDT वाले के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं YouTube live पे जा रहा हूँ so throughout world कोई भी देख सकता है मेरा YouTube पे, right? So that is I can reach to global audiences. Measure the effectiveness of digital marketing campaign. So I can measure that also. कि जैसे मुझे reply आएगा तो I can come to know कि अच्छा कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को. So I can measure that. So that is the power of digital marketing, right? So guys, जो हम लोग ने पहला story सुना कि trend के हिसाब से हमको change होना पड़ता है, and कुछ भी सीखा हुआ waste नहीं जाता है. वो कुछ भी सीखा हुआ waste नहीं जाता है ना,
वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है, राइट। सो विल सी साइड बाय साइड के कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट कैसे नहीं जाता है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, राइट? सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग लाइक यू कैन राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स ऑल्सो के डिजिटल मार्केटिंग मीन्स क्या। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, इन योर चैट बॉक्स के आप डिजिटल मार्केटिंग को ओके। सो नाउ यू कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट इज अ फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। सो लोग ऐसा समझते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, दैट मीन्स के वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। सॉरी गाइस, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फेसबुक और व्हाट्सएप, इट इज बियॉन्ड देन दैट, लाइक इट इज रिलेटेड टू वेबसाइट्स ऑल्सो, इट इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स ऑल्सो। सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट देर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो इसमें जो कैटेगरी आता है दैट इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज एसईओ। सो आपने बहुत सुना होगा एसईओ एसईओ, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि एसईओ क्या होता है, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसईओ, सो आप कुछ भी सर्च करने के लिए पहले क्या डालते हो, पहला मीडिया आप सोचते हो गूगल में डाल के देखता, राइट। और गूगल में आप डालते हो कीवर्ड, राइट। यानी जैसे मुझे अगर एसएनडीटी कॉलेज के बारे में ढूंढना है या बीएमएम या बीसीए कोर्स के बारे में ढूंढना है, तो मैं डालूंगा बीसीए कोर्स, बीएमएम कोर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स। सो आई नो माय कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स के हिसाब से गूगल हमको सर्च करके दे। उसमें भी वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, इंटीरियर डिजाइनिंग और बीसीए और बीएमएम, आई वॉन्ट इन स्पेसिफिक एरिया, सो मलाड, मुंबई, एनीथिंग, राइट। So you have to write a proper keyword to that, right? So agar aap keyword properly dalte ho, so that work is doing by search engine optimization. So SEO can be understood the process of optimizing the structure, design, content of your website, so the search engine can index them accurately and position site in the top of the result of SERPs, right? So basically, जब भी आप कुछ भी डालते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि टॉप 10, टॉप 20, ऐसे तो एन नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, लेकिन उसमें भी टॉप पे आते हैं लोग, राइट। सो यू नो इवन वो इट इज ड्यू टू कीवर्ड्स, राइट। अगर आपके वेबसाइट पे अगर वो कीवर्ड प्रॉपरली मेंशन किए हुए है तो आपका वेबसाइट वो पहले ही दिखाता है। सो दैट इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर वो लोग वेबसाइट बनाते हैं बट वो लोग ध्यान नहीं रखते कि कौन सा अभी मेरा बिजनेस क्या है और उसके रिलेटेड मुझे क्या कीवर्ड्स रखने चाहिए। यानी अगर मेरा बिजनेस ढूंढने के लिए मुझे क्या ऐसे कीवर्ड्स रखूंगा जिससे मेरा वेबसाइट सबसे आगे आएगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एसईओ, बिकॉज जनरली सर्च इंजन सी ये कोई पर्सन नहीं है जो आपका नाम आगे लेके आता है। आप उसको ज्यादा पैसे दे रहे हो तो आपका नाम पहले लेके आएगा। सी देर आर पेड एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, बट द मेन थिंग जब भी गूगल इज रोबोटिक AI, आपने सुना होगा AI, that is artificial intelligence, right? So AI एक मशीन है जो वो वेबसाइट में से वो पर्टिकुलर कीवर्ड ढूंढता है और उसको आगे लेके आता है, राइट। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पाइडर्स और वेब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग एंड डिस्प्ले। सो ये सब नाम थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, अरे स्पाइडर क्या होता है, वेब क्रॉलिंग क्या है। सो द मेन थिंग इज स्पाइडर एंड वेब क्रॉलर, right? The spider crawler over the web for searching the content. Once the spider finishes the scanning process, they copy the search content to store that in a search engine database. यानी क्या करता है? वो there are thousand भी नहीं, lakhs of crores of websites, right? जिसमें आपको वो similar keywords मिल सकते हैं, तो वो पहले scan करता है। वो scan करने के बाद उसको वो कंटेंट में से वो उठाता है, सर्च इंजन डेटाबेस में देता है, राइट। एंड वेब क्रॉलर कलेक्ट
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब पेज, यानी आपका जो वेब पेज होता है या वेबसाइट होता है उसमें से वो क्रॉल करके उसको दिखाता है कि ये वेबसाइट में जो ये ढूंढ रहे हैं, जैसे BCA कोर्स, BMM कोर्स, तो ये वेबसाइट्स में मेंशन किए गए हुए, तो वो काम होता है स्पाइडर एंड वेब क्रॉलर का, राइट? फिर उसका आता है इंडेक्सिंग एंड डिस्प्लेइंग। अगर उसको रिलेवेंट कीवर्ड मिलता है तो वो इंडेक्सिंग करता है, यानी पहले किसको लाना है, सेकंड किसको लाना है, थर्ड किसको लाना है, सो वो काम AI करता है। तो सर्च इंजन क्रॉल्स एंड इंडेक्स द कंटेंट डिफरेंट वेब पेजेस एंड एडिशनली दे कीप ट्रैक ऑफ ऑल दिस रिलेवेंट पेजेस, यानी वो हमेशा ध्यान रखता है, उसको इंडेक्सिंग करता है। सो दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पेज URL, यानी URL आपने जैसे हम लोग अपना www.yahoo.com लिखते हो, rediff.com लिख, राइट, डोमेन नेम, राइट, URL, .com, .org, .gov, there are n number of things जिससे ये सर्च करता है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ कहाँ पे मिलेगी। सो डोमेन नेम यानी आपका जो बिजनेस नेम आप लेते हो तो उसको बोलते हैं डोमेन नेम, राइट? सो उसके पहले आगे आगे लिखा होता है www.yahoo.com, so that is world wide web, right? Then your company name, the .com, .com is for commercial, .edu is for education, .gov is for government. So वो indexing करता है कि ये information मुझे कहाँ से मिलेगा, उसको वो properly indexing करके आगे लेके आता है। And displaying, so then search engine क्या करता है, उसको display करने का start करता है, क्योंकि उसको जितना relevant information मिलता है वो उतनी ही अच्छी तरीके से उसको arrange करके display करने का काम करता है। So that is basically your search engine optimization. Okay. Now role of keywords in search engine optimization. Because keyword is the heart of digital marketing basically. So keyword यानी क्या हो सकता है? जैसे keyword कोई person का नाम भी हो सकता है। जैसे कोई celebrity है तो उसका नाम keyword हो गया। जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, रणबीर कपूर हो गया, आलिया भट्ट हो गया, right? So वो भी एक keyword हो सकते हैं, राइट? अगर मैं स्टडीज के बारे में, जैसे आप बात कर रहे हो BCA, BMM, तो वो भी एक पार्ट हो गया। मलाड इज ऑल्सो कीवर्ड, क्योंकि हम लोग मलाड के बारे में ढूंढने जा रहे हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ कीवर्ड्स, राइट? सो वो कीवर्ड्स कितने रिलेवेंट है आपके, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में उसके हिसाब से वो काम करता है, राइट? सो अगर आपके कीवर्ड्स प्रॉपरली स्पेसिफाई किए हुए है, मेंशन किए हुए हैं, तो आपका सर्च इंजिन इतनी अच्छी तरीके से कि आपका इंडेक्सिंग में आपका नाम आगे आता है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स वी हैव टू थिंक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कीवर्ड डेंसिटी, राइट? सो मोर कीवर्ड्स कैन इवन गेट योर पेनलाइज फॉर स्पैमिंग और कीवर्ड स्टफिंग, एंड दैट इज व्हाई कीवर्ड्स, सी डेंसिटी क्या कि कितने कीवर्ड्स डाले हुए, यानी अगर मैं अपना पूरा वेबसाइट सिर्फ मुझे समझ में आ गया कि भाई कीवर्ड से नाम, तो अगर मैं बहुत सारे भर दूंगा तो वो स्पैम में चला जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे चेक सर, प्लीज चेक विथ वन विंडो इज अपीयरिंग फ्रॉम योर साइड, आई थिंक इट इज ओपन, वन सेकंड, ये मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना आपको बराबर? यस यस सर, बट देयर इज वन विंडो अपीयरिंग। अच्छा ये वाला, ओके ओके ओके, वन सेकंड मैं चेक करता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, ओके, एक मिनट ना, मैं चेक करता हूँ। ओके, okay, now it is fine. Hello Preeti ma'am. Sir, yeah, so basically, right, so aapko keyword density, so it is between 3-7% or 1-2% for minor keywords, yani major keywords 3-7% hi hona chahiye, एंड माइनर कीवर्ड्स 1-2% ही होना चाहिए। तो वो आगे आपको आएगा कि वो कैसे समझ में आएगा, वो आपको मैं समझाऊंगा, राइट? देन कीवर्ड इन यूआरएल, राइट? सो
बेसिकली बहुत सारे URL यानी उसमें भी आपका जो वेबसाइट का लिंक होता है या उसमें भी वो URL कैसे प्लेस किया हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अच्छा, सो इसमें से आपने बहुत सारे जनों ने 11th 12th में IT सब्जेक्ट लिया होगा, राइट? या फिर 8th 9th 10th में हम लोगों को सिखाया गया होता है HTML, DHTML, तभी हमको लगता है ये क्या क्या लैंग्वेज सिखा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है और आगे जाके यूज होगा के भी नहीं, वो भी नहीं समझ में आता है, राइट? लेकिन हमारे में कहा जाता है कि कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट कभी नहीं जाता है, राइट? सो सेम वे जब भी आप वेबसाइट बनाते थे, यानी आप वो एक नॉर्मल वेबसाइट बनाते थे जो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे दिखता था और उसमें आप लिंकिंग भी देते थे, राइट? सो जब भी आप लिंकिंग देते हो तो उसमें कीवर्ड आपके फाइल के नेम के साथ अटैच होता है या आपके टाइटल इसमें लिखा हुआ है, टाइटल टैग में लिखा होता है. सो दैट इज ऑल थिंग आर इम्पोर्टेंट. या वो ऐसे ही लैंग्वेज नहीं बनाया गया हुआ है और वो जो कोडिंग लिखे होते हैं उसमें भी अगर हमारा कीवर्ड्स प्रॉपरली है तो वो इंडेक्सिंग बराबर करता है, यानी सर्च इंजिन में अपना ना. कितने लोग है ना, बहुत सारी कंपनी सर्च इंजिन का पैसा लेती है बट अगर उसको सिस्टमेटिक वे से डिजाइन किया जाए विथ प्रॉपर कीवर्ड्स एंड प्रॉपर लिंकिंग, सो हमको ये प्रॉब्लम्स नहीं आता है, राइट? इसके लिए यहाँ पे इवन इन टाइटल टैग्स में भी 10 टू 60 कैरेक्टर्स, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. इसके लिए आपको स्कूल या कॉलेज लाइफ में ही वेबसाइट्स बनाने का, क्योंकि दे नो कि 5-10 साल के बाद जब भी फ्यूचर वेब या ई कॉमर्स या डिजिटल होगा तो तभी आपको ये सभी कुछ काम आएगा. इवन डिस्क्रिप्शन इन मेटा टैग, कीवर्ड इन मेटा टैग या हेडलाइन, हेडिंग्स होते हैं अपने, उसमें भी अपने अगर लिंक बिल्डिंग यानी आप प्रॉपरली लिंक कैसे करते हो और उसमें भी अपने कैसे कीवर्ड यूज किए हुए होते हैं, ये सभी से आपका वेबसाइट जब भी कोई सर्च करता है तो एकदम आगे आता है ड्यू टू दिस ऑल प्रॉपर कोडिंग. सो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं है. द मेन पर्पस इज आपका वेबसाइट या आपका कंटेंट में नाम आपका सबसे आगे है, सो दैट इज द रोल ऑफ कीवर्ड्स इन फॉर योर SEO. सो क्लियर विद दिस पार्ट? या ओके. सो इसमें होता है, एक मिनट ये वापस आ गया. या इसमें है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो यानी हम लोग ऑफ पेज और ऑन पेज, राइट? तो इसमें कैसे कर सकते हैं, राइट? सो जैसे इनकमिंग लिंक्स फ्रॉम हाई पेज रैंक वेब पेज, यानी अगर जैसे मेरा जस्ट डायल में नाम रजिस्टर है या सुलेखा में नाम रजिस्टर है तो वहां से मुझे लिंकिंग मिलती है. यूज ऑफ डिफरेंट एंकर टैग्स, यानी अगर दूसरे के वेबसाइट से मेरा कोई लिंक होगा तो वहां से मुझे मिल सकता है क्लाइंट्स. यूज ऑफ डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स, यानी अगर जैसे SNDT में मेरा वेबिनार अच्छा रहा, SNDT में मेरा अच्छा रहा तो आप लोग बोलोगे अरे आप ये देखना, ये लिंक बहुत अच्छा है, सो डू फॉलो लिंक, या आप बोलोगे नो फॉलो लिंक. बैकलाइन फ्रॉम सिमिलर नीच ब्लॉग और वेबसाइट्स, यानी कोई ब्लॉग्स पे मेरा एडवर्टाइज हुआ होगा वेबसाइट पे. अवॉइडिंग ब्लैक हेड SEO, यानी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ SEO, तो उसमें से आपको ब्लैक हेड वाले नहीं लेने हैं, हाई ट्रस्ट वाले यूज करने हैं, गुड डोमेन ऑथोरिटी होना चाहिए. तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ वन सेकेंड. या एंड देर इज वन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. तो उसमें क्या होता है, जैसे वो ऑन पेज में डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्टेंट, यानी सी कॉन्टेंट राइटिंग, जैसे अभी हम लोग ने बहुत टाइम पहले थोड़ा डिस्कशन किया था कि वेबसाइट्स या ये BMM में कॉन्टेंट राइटिंग एक सब्जेक्ट होता है, बिकॉज नाउ डेज इट इज वेरी एसेंशियल कि आपका कॉन्टेंट ऑन वेबसाइट या ऑन ब्लॉग
बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें यूज किए हुए प्रॉपर कीवर्ड से आपका एसईओ में नाम सबसे आगे आने का स्टार्ट होता है, और कंटेंट आपका कॉपीराइटेड भी होता है, यानी वो रिपीट किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंटेंट राइटर का भी आजकल रोल बहुत अच्छा हो गया है। इसके लिए हर वेबसाइट वाले प्रॉपर कंटेंट राइटर वाले को ये देते हैं कि उसको कैसे स्ट्रक्चर वे में लिखा जाना चाहिए, राइट। यूनिक टाइटल टैक्स एंड हेडलाइंस, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कोडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और हेडिंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसमें से सर्च करता है, तो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो टाइटल टैग्स प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, हेडिंग्स प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, कीवर्ड्स फ्रीक्वेंसी इन यूआरएल, बॉडी टैग्स एंड हेडिंग। यानी जो वेबसाइट्स बनाते हैं उनको पता होता है कि भाई हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, तो उसमें भी अपना कीवर्ड प्रॉपरली फ्रेम किया हुआ होना चाहिए, राइट। तो ये सभी चीज, जैसे मैंने अभी बताया आपको कॉपीराइट के बारे में, इमेजेस के बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस, राइट, अ गुड इंटरनल नेविगेशन, यानी वेबसाइट इंटरनल इतनी अच्छी लिंक और विद कीवर्ड्स होनी चाहिए कि वो इजीली सर्च कर सकता है, राइट। तो ये जो वेब क्रॉल करता है, राइट, या स्पाइडर या वेब, अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया था, वो सभी पेज में चेक करता है और अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स अपने पेज को आगे लेके आता है, राइट। नाउ जैसे अभी हम लोग ने एसईओ देखा, राइट, तो यहाँ पे और एक मिनट, सो द सेकंड पार्ट इज सोशल मीडिया, राइट। सो नाउ यू ऑल अवेयर अबाउट सोशल मीडिया, सो नो नीड टू टेल यू अबाउट व्हाट इज सोशल मीडिया, राइट। सो सोशल मीडिया, यू नो दैट सी नाउडेज फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ social media, right? And you know how many people are following it up, right? So usme bhi marketing karna is very essential nowadays, because isme ek target audience hoti hai, yani mujhe isme age wise mein I can do marketing, right? Same way I can do area wise also marketing, yani mujhe dekhna hai ki if I am staying in western side, so mujhe from Virar to Bandra tak ke hi log ko marketing karna hai, यही स्पेसिफिक एज ग्रुप वालों के लिए मुझे करना है, बिकॉज फेसबुक में यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि वो कौन से एरिया को बिलोंग करता है, या कौन से बिजनेस को बिलोंग करता है, वो स्टूडेंट है या उनका सीधा एन नंबर ऑफ, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपका सब डिटेल दिया हुआ होता है। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ये सभी चीज को सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। और इसमें भी आपका कॉन्टेंट होता है, टारगेट ऑडियंस होता है, या ब्रांड होता है कि ये कौन से लोगों के लिए आपको ये ब्रांड आपको मार्केटिंग करना है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया आल्सो कि वो प्लान करके किया जा सकता है, राइट। ओके, नाउ ट्विटर मार्केटिंग, जैसे ट्विटर, राइट, ट्विटर इज द इजीएस्ट, वो स्मॉल ब्लॉगिंग बोलते हैं उसको, राइट, बेस्ट वे टू रीच आउट द न्यू कस्टमर, राइट। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग है, देर आर यू नो शॉर्ट स्वीट सिंपल, आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और उसमें भी सी मैनी पीपल आर फॉलोइंग ट्विटर ऑल्सो, सो ह्यूज क्राउड मिल जाता है, जहाँ से आप यू कैन डू इजिली मार्केटिंग, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर सकते हो, राइट। इट हेल्प्स बिजनेस टू कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर, राइट। क्रिएट, ओके, यू कैन क्रिएट अ पर्सनल पेज इज ऑल्सो इन ट्विटर, अपलोड योर साइट्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन, राइट। सेम वे आप फेसबुक और इसमें भी कर सकते हो। सो नाउ वन वेरी पावरफुल मीडियम इज देयर लिंक्डइन, राइट। इट इज स्पेशली फॉर प्रोफेशनल पीपल, राइट। बेसिकली अभी आप है ना, बहुत सारे जन बिजनेस करते हैं या जॉब करने जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं आर यू ऑन लिंक्डइन, सो वो लोग है ना आपका प्रोफाइल पहले लिंक्डइन में पढ़ लेते हैं, लाइक आइदर आपको जॉब देने से पहले या आपके साथ बिजनेस करने से पहले। सो नाउअडेज लिंक्डइन इज ऑल्सो वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट प्रोफेशनल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, राइट। बिकॉज बहुत सारे जन ने अपना प्रोफाइल उस पर बनाया होता है, तो पीपल आपके साथ बात करने से पहले आपके बारे में सोशल मीडिया से पूरा इंफॉर्मेशन ले लेता है, एंड फिर वो आपको सोचता है कि कैसे आपके साथ डील करना है, राइट। So LinkedIn is nowadays, यानी अगर आप as a student भी हो, so now you can see, जब भी आप जैसे future में professional बनोगे, आपको job पे जाना है, ये तो आपका LinkedIn profile होना बहुत जरूरी है। आप business करते हो, आपका LinkedIn profile होना बहुत जरूरी है। So it is a nowadays very powerful
powerful platform to do that. Okay, usme you can do a company page also created in LinkedIn. Right, तो मैंने बताया चाहे वो जॉब के लिए हो, प्रोफेशनल्स के लिए हो या बिजनेस के लिए. सो नाउडेज लिंक्डइन इज आल्सो वेरी यूजफुल. ओके, गूगल प्लस. ओके, गूगल प्लस में भी देयर आर एन नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल, सोशल मीडिया मार्केटिंग फीचर्स दैट आर कंसिडर एसेंशियल टू नो व्हाइल गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. जैसे सर्कल्स हो गया, हेल्प्स मार्केटर्स टू क्रिएट ग्रुप्स और ज्वाइन सर्कल्स ऑफ देयर लिंकिंग्स. स्ट्रीम हो गया, फोटोज हो गए, हेल्प्स मार्केटर्स टू अपलोड द फोटोज, राइट. स्पास हो गया. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो गूगल प्रोवाइड करती है आपको, राइट. यानी आपके कम्युनिटी वाले लोग, या आप इजीली अपलोड फोटो कर सको, या आप इजी लोगों से लिंक हो सको. सो गूगल आर गिविंग यू नो, जैसे वीडियो अपलोड कर सको, फोटोज अपलोड कर सको. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो गूगल भी हेल्प करती है आपका सर्च इंजिन में नाम आगे लाने के लिए, आपको लिंक करने के लिए, आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे आगे लाने के लिए, राइट. नाउ वीडियो प्रमोशन. सो नाउडेज यू कैन सी देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियो प्रमोशंस आर देयर. यानी आप देखते हो, जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो पहले आपको एक दो एडवर्टाइजमेंट आता है, राइट. बहुत बड़ा होगा तो इन बिटवीन भी वापस वीडियो ऐड आता है. सो वीडियो इज वेरी पावरफुल टूल बिकॉज यू कैन विजुअलाइज द थिंग, राइट. सो वीडियो प्रमोशन इज नाउडेज एसेंशियल टू डू बिकॉज वो आप मैक्सिमम लोगों को, सी आप फेसबुक कर रहे हो तो आपको वीडियोस देखते हो, आप इंस्टा पे वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, उसमें बहुत सारी एड्स आती है. सो वीडियो इज वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग मार्केटिंग नाउडेज, राइट. सो दैट्स व्हाई जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें यहाँ पे कंटेंट राइटिंग वाले आ गए, वेबसाइट डिजाइनर आ गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले आ गए, ऑडियो वीडियो एडिटिंग करने वाले आ गए, फोटोज एडिटिंग करने वाले आ गए. यानी आप सोच सकते हो कि BMM लाइन या BCA लाइन कितना पावरफुल एंड कितना बड़ा लाइन है कि ये जो सभी चीजों को कनेक्ट करता है एक या दूसरे वजह से. तो आप लोगों ने हमारे बहुत सारे ये वेबिनार्स अटेंड किए हुए, तो हम लोग आपको यही समझाना चाहते हैं कि वो ट्रेडिशनल पढ़ाई अभी पीछे रह गया. यानी सिर्फ हम लोग अकाउंटेंट बनेंगे, CA बनेंगे, MBA बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, वो दैट इज पार्ट एंड पार्सल. जो होशियार लोग है वो तो बनेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें होशियार लोग नहीं चाहिए. सी इवन हियर ऑल्सो वी वॉन्ट वेरी क्लेवर पीपल, वेरी स्मार्ट पीपल, बट यहाँ पे पढ़ना और सीखना एक फन है. वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोज एडिटिंग, सो इट इज ऑल फन. यानी आपका पढ़ाई भी हो रहा है, आपका काम भी हो रहा है, आप साथ में पॉकेट मनी भी कमा रहे हो, आप अच्छे जॉब पे भी लग सकते हो, आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो. सो दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. पावर ऑफ ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे यूट्यूब पे मार्केटिंग होता है. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो प्रमोशन नहीं होता है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे वीडियो प्रमोशन भी होता है, राइट. सो क्लियर विद दिस? ओके, सो यहाँ पे ओके, ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजमेंट, राइट. सो सी गूगल भी आपको ऑफर करता है कि यू कैन डू ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजमेंट. इवन फेसबुक पे होता है ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजमेंट, या एन नंबर ऑफ मीडिया पे होता है ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजमेंट भी होता है. यानी आप ये जो येलो देखते हो, सो दैट इज ऑल पेड एडवर्टाइजमेंट. यानी वो सबसे पहले मीन्स उनका नाम आ रहा है क्योंकि उन्होंने उनका पेमेंट लिया हुआ है, तो उनका ये सर्च इंजिन में थोड़ा और आगे आता है उनका नाम, राइट. सो दैट इज योर ऑल पेड एडवर्टाइजमेंट, राइट. और पे पर क्लिक होता है, इसमें भी आप कितना क्लिक करोगे उसके हिसाब से उनको रिकॉर्ड भी मिलता है कि आपने कितना पब्लिक को रीच किया हुआ है, और पे पर क्लिक उनको पैसा देना पड़ता है, राइट. सो दैट इज PPC, पे पर क्लिक. ओके, इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल गोइंग थ्रू इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग. इन पेड एडवर्टाइजिंग यू नीड टू पे ईच टाइम अ यूजर क्लिक्स ऑन योर एड. ओके, यू नीड टू पे अकॉर्डिंग टू बिड अमाउंट. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पे पर क्लिक प्रोग्राम इन गूगल एडवर्ड्स. तो गूगल एडवर्ड्स यानी गूगल एडवर्टाइजिंग का पैसा लेता है, तो जितनी बार उसकी लिंक पे क्लिक करते हैं हमको उनको पे करना पड़ता है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट. गूगल एडवर्ड्स, राइट.
So understanding purpose of the PPC campaign, researching on target audience, proper keyword research and conducting A/B testing, learning from your competitors' ad copy before you make your own ad campaign, keyword grouping, यानी ये सब भी Google आपको help करता है कि आपके keywords कैसे highlight होने चाहिए, आपका competitor क्या कर रहा है, आपके research target audience कौन सा है। अगर मैं यहाँ का ad कर रहा हूँ और मुझे कोई इंक्वायरी आएगी फ्रॉम बैंगलोर और वो सब, तो मुझे वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरा टारगेट ऑडियंस शायद मुंबई होना चाहिए या वेस्टर्न ओरिजिन होना चाहिए। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, राइट। नाउ फेसबुक एड्स, जैसे आप देखते हो फेसबुक पे बहुत सारे एड्स भी आते हैं, राइट। ओके, सो फेसबुक ऑफर्स अ यूनिक फैसिलिटी ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन फेसबुक, राइट। सो गूगल भी पैसे लेके आपको एडवर्टाइज करने देती है, राइट। ट्विटर एड्स, ट्विटर जैसे ये दिस इज ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो लोग पैसे लेंगे आपको ट्विटर न्यू एड्स अराइवल डाउनलोड्स ऑप्शन, एड्स विथ क्लिक टू कॉल बटन, यानी वो लोग भी आपको प्रमोट करना चाहते हैं। So they are taking money from you and they will promote you, right? So there are n number of things, Twitter or Facebook or Insta, जब भी आपको वो पैसे लेंगे, पैकेज different types के होते हैं, so आप उसके वे से भी मार्केटिंग कर सकते हो। Now email marketing, तो आप देखते हो कि आपने बहुत सारी जगह पे register किया होता है, तो आपको बहुत सारी email marketing आते हैं, यानी जैसे कोई नया trend introduce किया तो IRCTC से आ गया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसके वहां से आ गया, कोई मूवी का, सो देयर आर डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग इज आल्सो देयर, राइट। बट अभी ये ईमेल मार्केटिंग ज्यादातर प्रोफेशनल या कंपनीज वाले यूज करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर मोर एंगेज विद सोशल मीडिया, सो दे लाइक फेसबुक और ट्विटर मार्केटिंग, राइट, और इंस्टा मार्केटिंग। बट कॉर्पोरेट्स एंड पीपल आर वांट्स ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि उनके प्रोफाइल उनको भेजने हैं, उनके फोटोज भेजने हैं, उनके अटैचमेंट भेजना है, तो ईमेल इज द राइट सोर्स to do that marketing, right? So email marketing is also there, right? Now mobiles, apps marketing, right? So now you can see बहुत सारे apps आ गए हुए, right? Even apps के अंदर भी आप देखते हो बहुत सारी जगह पे marketing होती है, एक छोटा सा line आती है या immediate को एक video flash होता है या immediate एक photo flash होता है, so apps के in between भी marketing हो रही है, right? यानी वो apps कितना popular है, कितने लोग आते हैं, कौन से types के लोग आते हैं, तो accordingly company are selecting के उनको कैसे लोगों को marketing करना है। so mobile apps marketing is also a powerful media in digital marketing, right? so यहाँ पे है web analytics process, right? So, यहाँ पे जरा प्रॉपर प्रोसेस होता है, जैसे डिफाइनिंग गोल्स, ओके, बिल्डिंग टू केपीआईज, कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द डेटा, टेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, इंप्लीमेंट, राइट। सो बेसिकली जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो, सो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, आपको कौन से टाइप के टारगेट ऑडियंस चाहिए, कौन से एरिया से चाहिए, डेटा कितना चाहिए, आप कितना एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा पे करने वाले हो, आप कौन से मीडियम से जाना चाहते हो, सिर्फ सोशल मीडिया पे जाओगे या यूट्यूब पे भी जाओगे या ट्विटर पे भी जाओगे या लिंक्डइन पे भी जाओगे, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, राइट। सो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत प्लानिंग के साथ आपका बजट बना के करना पड़ता है, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कौन से मीडिया से मार्केटिंग करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। Okay, it is a review of examination and reporting of web information and data for motivations behind comparison and enhancing web utilization. Different web analytics tools can be used to measure whether your site page is working effectively or not. Some common web analytics tools is Google Analytics, IBM, Web Analytics, Adobe Site. So there are analytics क्या करता है कि वो आपका websites कितने लोग बराबर keywords के हिसाब से ढूंढ सकते हैं,
या वो बराबर हो रहा है कि नहीं, या जैसे वो मार्केटिंग के लिए प्रॉपरली है कि नहीं, क्योंकि वेबसाइट बनाना यानी कुछ भी बना के डाल दिया वेबसाइट बन गया ऐसा नहीं होता है, बिकॉज नाउअडेज कंटेंट राइटिंग या कीवर्ड आपके कितने हैं, आपका लिंक बराबर है, या आपने कौन सा कोडिंग यूज किया हुआ है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स इन वेब डिजाइनिंग और ई कॉमर्स, तो वो लोग ये सब देखते हैं, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं और वो रिपोर्ट देते हैं कि आपका वेबसाइट ये कीवर्ड रखो तो इतने लोगों तक आप रीच कर सकते. So that is a part of web analytics, right? So guys, clear? So जैसे I hope आपके ये webinar में मैं आपको समझा पाया हूँ कि digital marketing is a very big term, and you can see scope of getting job or doing business is also great because इसमें बहुत सारे जन काम करने वाले चाहिए हम लोगों को, right? यानी जैसे हम लोग ने बताया ऑडियो वीडियो एडिटर हुआ, कंटेंट राइटर हुआ, फोटोज एडिटर हुआ, वेबसाइट्स डिजाइनर हुआ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने वाले हुए, प्रोग्रामर हुआ, एप्स वाले हुए, हार्डवेयर वाले हुए, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू दिस. सो डिजिटल मार्केटिंग में भी स्कोप और अपॉर्चुनिटीज बहुत है. हम लोग यहाँ पे ऐसे एड ऑन कोर्स भी सिखाते हैं BMM में, कि वहां पे हम लोग जो कॉलेज का सिलेबस होता है उसको छोड़ के अगर हम लोगों को लगता है कि आजकल के जनरेशन को या आजकल के स्टूडेंट्स को जॉब लेने के लिए ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए, सीखने चाहिए, अगर वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वी आर ट्राइंग टू गिव यू नो एड ऑन कोर्स टू दैट. यानी ये एड ऑन कोर्स का इसीलिए ज्यादा यूजफुल होता है, और हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो मार्केट में चल रहे कोर्स हम लोग स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ये सब सीख लो जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा जॉब मिले या आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते. ओके, सो होप यू लाइक द सेशन. सो आई वॉन्ट आंसर इन योर चैट बॉक्स कि आपको ये सेशन कैसा लगा. एंड प्रीति मैम, नाउ यू कैन टेक ओवर प्लीज. थैंक यू. ओके सर, नो क्वेश्चंस नाउ स्टूडेंट्स. Girls, any question? Okay, fine. So here we will end the meeting. And thanks to Paresh sir for taking very valuable session on digital marketing. And this way we will have continuous sessions by Paresh Pandya sir again. So we will meet you again for the next session. Okay? Thank you very much, Preeti ma'am, to giving me opportunities to speak about digital marketing. And I'm so glad, like, students are, you know, so good. They are interactive also. And they are listening very carefully. And hamesha acha lagta hai ki jab audience bahut acha hota hai. And jab aap jaise sab acche coordinator hote hai, jisse hum log itna acha webinar kar sakta hai. So thank you all of you, all staff members and all students. Thank you very much. Okay, so you will end the session. Thank you.